एवरीवन, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज मेरे शंख पुष्प के प्लांट में, जिसको अपरजिता या बटरफ्लाई पी प्लांट कहते हैं, इसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत ढेर सारे फ्लावर्स खिले हैं। तो मैंने सोचा इसका व्यू आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ। ये देखिए, ये हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो देखिए, दो फ्लावर्स जो हैं वो यहाँ पर मैं इसको और करीब ले जाता हूँ आपके को दिखाने के लिए। और ये देखिए, ये तो दो फ्लावर्स देखिए एक साथ खिले हुए हैं एक के पीछे एक, और कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। और सामने से देखने में और खूबसूरत लगता है। और इस साइड देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से मुझे इजी होगा दिखाने में भी। देखिए, यहाँ पे एक फ्लावर है, फिर देखिए ये दूसरा है, और ये देखिए एक और थ्री, और फिर यहाँ पे देखिए एक फोर, और देखिए वहाँ पे एक फाइव। और देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाऊँ, और ये सिक्स जो शायद बंद हो गया है सिक्स वाला, तो पर उसके पीछे भी देखिए वहाँ पे, ये देखिए ये एक सेवन है, और फिर ये देखिए एट, और देखिए वहाँ पे एक दिख रहा है नाइन, और जब मैंने शुरुआत में आपको दो दिखाए थे तो टेन और इलेवन, और देखिए एक यहाँ पे खिला हुआ है, और एक देखिए उन दो के बगल में एक और था, वो मुझे यहाँ से देखिए वहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। तो ये देखिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक पूरा जो लुक आ रहा है इन फ्लावर्स का बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा आपके साथ ही मैं इसको शेयर करूं, जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, जो कि ब्लू कलर के फ्लावर्स ज़्यादा नहीं होते हैं गार्डन में, और साथ में ये खूबसूरत खूबसूरत साइप्रस भी खिले हुए हैं, जो साइप्रस फ्लावर्स होते हैं। देखिए, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ये फोकस हो जाए इस पर, नेक्स्ट वाले पर ट्राई करता हूँ। ये देखिए, तो इतने अच्छे फ्लावर्स, साथ में ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और धूप की वजह से आपको कम दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ डायरेक्ट देखने में हर तरफ से देखिए दूर से यहाँ से पूरा फ्लावर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बार एक लास्ट व्यू आपको दिखाते हुए, और मैं जितना इसमें एक बार में दिखा पाऊँगा आपको दिखा दूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से दिखा दूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम फ्लावर्स से, इतने ज़्यादा फ्लावर्स एक टाइम पे नहीं आते हैं, बहुत कम ही ऐसा होता है। और इन फ्लावर्स की टी भी बनती है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी, तो आप बना सकते हैं इसको ड्राई करके और फिर पानी में डाल के। वैसे मुझे पता नहीं, इसलिए आप प्रॉपर मेथड सर्च करके देखिएगा, मैंने कभी नहीं बनाया, इसलिए मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप खुद बिना जाने बूझे बना लीजिए, इसलिए आप प्लीज़ आप खुद से मत बनाइएगा जब तक आपको प्रॉपर तरीके से पता ना चल जाए। और काफ़ी छोटे पॉट में भी वो लगा हुआ है, इसलिए मुझे और खुशी हुई इतने ढेर सारे फ्लावर्स एक साथ देख के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बटरफ्लाई पी के फ्लावर्स अच्छे लगे हों, मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।